How to fix Play Store not able to download apps problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेकीराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है प्ले स्टोर के इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप दोस्तों प्ले स्टोर पे कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, ऐप है जो कि वो दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, तो दोस्तों इसका जो पीछे उसमें क्या रीज़न है और दोस्तों कैसे करके आप इसको फिक्स कर सकते हैं कम्प्लीटली, आज के इस वीडियो पर दोस्तों मैं आपको ऐसा दमदार सोल्यूशन बताऊँगा जिससे कि आपका प्रॉब्लम ज़रूर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको भी फिक्स करना है तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर उसका जो सेटिंग है, ठीक है, आपको मैं कुछ सेटिंग ऐसा बताऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रहा होगा शायद। ठीक है, तो यहाँ पर उसे ऐसा सेटिंग है जिससे भी ये प्रॉब्लम होता है और दोस्तों कभी कभी प्ले स्टोर खुद से ऐसा प्रॉब्लम आपको देता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही बातें जो है मैं आपको कम्प्लीटली अच्छे से डिटेल से समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को यहाँ पर ज़रा सी भी स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों आप जो है यहाँ पर अपने जो प्रॉब्लम है उसको आसानी से फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। और यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक चेकआउट कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों देखते हैं इसका सॉल्यूशंस। लेकिन दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ, ठीक है, और आपको यहाँ पर क्या क्या करना होगा चलिए वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है जो कि ऊपर तीन लाइनें आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऊपर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको टैप करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर एक सेटिंग है, ठीक है, तो उसमें आपको जाना है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेटिंग, तो सेटिंग पर आपको जाना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐप डाउनलोड प्रीफ्रेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको यही सेटिंग कर लेना है। ठीक है, ये सेटिंग आपको करना है। तो आप दोस्तों ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस पर जाइए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यदि लगा हुआ है ओवर वाईफाई, ठीक है, और दोस्तों आप यहाँ पर वाईफाई से नहीं, आप यहाँ पर मोबाइल डेटा से ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सेलेक्टेड है वाईफाई ओनली। तो आपको कनेक्ट करना है ओवर एनी नेटवर्क, उसके बाद डन। ठीक है, तो ये करने के बाद दोस्तों आप चाहे तो जाके यहाँ पर मोबाइल को एक दफ़ा रिस्टार्ट कर लीजिएगा, वही अच्छा रहेगा। ठीक है, मोबाइल को रिस्टार्ट करके आप दोबारा से चेक कीजिए, आपका प्रॉब्लम इसी से फिक्स हो जाएगा यदि सेटिंग के वजह से प्रॉब्लम आ रहा है तो। ठीक है, यदि इससे आपका प्रॉब्लम फिक्स होता है तो ठीक है, यदि नहीं होते तो दोस्तों आप बैक कर दीजिएगा। बैक करने के बाद दोस्तों सेटिंग को टैप करके ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके पूरा नीचे एप्लीकेशन मैनेजर पे जाना है। ठीक है, और या फिर मैनेज ऐप, इंस्टॉल ऐप, ठीक है, और या फिर एप्लीकेशन मैनेजर, ये आपके फ़ोन के ऊपर में डिपेंड करता है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली एप्लीकेशन के अंदर पे आ जाना है, उसके बाद सर्च करना है आपको प्ले स्टोर। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्ले स्टोर हमें मिल चुका है। ठीक है, तो इसको टैप करके यहाँ पर ओपन करना है और साथ ही साथ दोस्तों इसको कर देना है फोर स्टॉप, और दोस्तों इसका डेटा को जो है पूरा क्लियर कर देना होगा। ठीक है, तो क्लियर ऑल डेटा पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ओके करके डेटा को कम्प्लीटली क्लियर कर दीजिएगा। ये करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अनस्टॉल अपडेट। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर अनस्टॉल अपडेट भी कर देना है क्योंकि दोस्तों अपडेट से कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो अपडेट को अनस्टॉल कर दीजिए। और यदि दोस्तों आपको अपडेट फिर से करना नहीं आता है तो मैं आपको वो भी वीडियो के अंत पर शो कर दूंगा। ठीक है, तो आप दोस्तों अभी के लिए अनस्टॉल कर दीजिए अपना जो प्ले स्टोर है उसके अपडेट को। ठीक है, तो ये करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर दोबारा से सर्च कीजिए आपका गूगल प्ले सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आइए हम सर्च करते हैं गूगल प्ले सर्विस, तो ABCDEFG। ठीक है, तो अभी दोस्तों आपको थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, शो ऑल ऐप कर देना है, उसके बाद गूगल सर्विस टाइप करना है। ठीक है, ये इस तरह से, तो यहाँ पर गूगल सर्विस, तो यहाँ पर दोस्तों शो नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके दोस्तों यहाँ पर शो कर गया गूगल प्ले सर्विस। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं,
तो गूगल प्ले सर्विस को टैप करके ओपन करना है, उसको दोस्तों यहाँ पर फोर्स स्टॉप कर देना है और दोस्तों साथ ही साथ उसका डेटा को भी क्लियर कर देना है, ठीक है। तो डेटा वगैरह क्लियर करने के बाद दोस्तों आप आखिरी में अपना जो मोबाइल है उसको रिस्टार्ट कर दीजिएगा। रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों आप दोबारा से जाइए प्ले स्टोर पर और दोस्तों जाके चेक कीजिए, आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली फिक्स हो चुका होगा, ठीक है। और आप दोस्तों चाहे तो अपना मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है उसको भी अपडेट कर सकते हैं, यदि प्ले स्टोर ठीक से काम नहीं करते तो मोबाइल सॉफ्टवेयर को भी आप अपडेट दे सकते हैं, ठीक है, ये भी है दोस्तों आप कर सकते हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पर यह सब सॉल्यूशन करने के बाद जाके दोबारा से प्ले स्टोर पर चेक कीजिए और दोस्तों अभी तक आपका प्रॉब्लम फिक्स हो चुका होगा, ठीक है। और दोस्तों किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड इंस्टॉल करके देख लीजिएगा, आपका आराम से आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा एप्लीकेशन और डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों बात आते ही आपका प्ले स्टोर अपडेट करने के लिए, ठीक है, यदि आपका अभी मन है अपडेट करने का प्ले स्टोर को, थ्री डॉट्स पर क्लिक कीजिए, उसके बाद सेटिंग पर जाइए और दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर प्ले स्टोर वर्जन पे क्लिक करना है। यदि अपडेट अवेलेबल है तो अपडेट अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद प्ले स्टोर वर्जन। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आप प्ले स्टोर को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप दोस्तों सिंपली इन सारे प्रोसेस को फॉलो अप कीजिए। यदि आपका ऐप डाउनलोड का प्रॉब्लम आ रहा है प्ले स्टोर से, तो आप दोस्तों उसको इसी प्रोसेस के मदद से, इसी सॉल्यूशन के मदद से उसको आसानी से फिक्स कर सकते हैं। तो मुझे और मेरे दोस्तों आपको जो है वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।